देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण की हुई उत्साहजनक शुरुआत। कोविन ऐप पर अब तक करीब 34 लाख पंजीकरण किए गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कहा, अगले 10 दिनों में सभी किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का किया उद्घाटन। और उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुई 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीते स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीके लगाने का कार्य काफी उत्साहवर्धक रूप से चल रहा है। देश भर के सभी राज्यों में टीकाकरण केंद्रों पर किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। किशोरों के टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन प्लेटफॉर्म और कोविन के आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टीकाकरण के लिए ऑन साइट पंजीकरण की सेवा भी उपलब्ध है। किशोरों के टीकाकरण के लिए अभी सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी मिली है। इस आयु वर्ग के करीब 7 करोड़ बच्चे वैक्सीन की खुराक लेने के पात्र होंगे। आज देश में अब तक 5 लाख किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं अभी तक करीब 34 लाख बच्चों ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण करवाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में RML अस्पताल का दौरा किया और बच्चों के टीकाकरण का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों से बात भी की। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज से प्रदेश में भी 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15,40,000 पात्र किशोर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 98% लोगों को पहली खुराक और लगभग 71% लोगों को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। अनिल विज ने कहा कि किशोरों के इस टीकाकरण अभियान को 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज का अभियान आरंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का भंडार है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में 15,40,000 एक श्रेणी के बच्चे आते हैं। हरियाणा में हम अभी तक 98% लोगों को प्रथम डोज और लगभग 71% लोगों को दूसरी डोज लगा चुके हैं। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि किशोरों के लिए उनके घरों के पास ही बूथ लगाए गए हैं। टीकाकरण के प्रति बच्चों में काफी उत्साह है। तो इसमें जैसे कि हमने स्कूल्स और कॉलेजेस से सभी से टाइप करके लिस्ट बनवा के जितने भी बच्चे हमारे हैं 15 से 18 साल के बीच में, तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो उसके तहत ही उनके घरों के पास में ही हमने सेंटर्स लगवाए हैं ताकि उनको दूर ना जाना पड़े। किशोरों ने कहा कि सभी के लिए टीकाकरण करवाना आवश्यक है। वे टीकाकरण करवाकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ताकि हमारी मतलब की सुरक्षा के लिए लगवाया गया है। इस टाइम मैंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है और मुझे लगवा के बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, इससे मतलब कि इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उनकी जीवन की सुरक्षा होती है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में नागरिक अस्पताल से टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने लोगों से बच्चों का शीघ्र टीकाकरण करवाने की अपील की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना महामारी का खतरा काफी कम हो जाता है। नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पे नौजवान साथियों का वैक्सीन, उसकी आज शुरुआत हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं
और कोरोना जैसी जो बीमारी है, जो हालात देश और प्रदेश का है, इससे अपनी दूरी रखें, अपने फेस मास्क लगा के रखें। कोविड टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि किशोरों के टीकाकरण के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपना और अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं, क्योंकि कोविड 19 की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अनुरोध भी करना चाह रहा हूँ कि तीसरी लहर ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है, तो सभी लोग जो भी चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, वैक्सीनेशन जरूर कराए और फुली वैक्सीनेट करें अपने आप को, जिससे थोड़ा सा सुरक्षित रह सके। विद्यार्थियों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। टीकाकरण के लिए वे अपने मित्रों और सहपाठियों को भी प्रेरित करेंगे। अभी तो वैक्सीनेशन कराने के बाद कुछ फील नहीं है, कोई थकावट नहीं है, पहले की तरह नॉर्मल है। बाकी आगे का यहाँ पे आके मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया, इन्होंने बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया हमारा, और फिर मेरे को इंजेक्शन लगाया, तो मेरे को इंजेक्शन भी बड़े अच्छे से लगाया, कोई पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो सब नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा लगा इंजेक्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में समय के साथ साथ अंतरिक्ष का योगदान प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज आम जिंदगी में अपनी एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है, और आज आम लोग भी ये समझने लगे हैं कि स्पेस सेक्टर उनसे दूर की कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह उनकी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से यह जुड़ी हुई चीज। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कही हुई बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे भारत का भविष्य देखना है तो मैं तारों और ग्रहों को नहीं देखता, बल्कि मैं देश की बच्चों की आंखों में देखता हूं। अगर उनकी आंखों में चमक है, उत्साह है, आशा और विश्वास है, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित हुई 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। पुरुषों की टीम ने 71 अंक लेते हुए राजस्थान की टीम को 32 अंकों के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की टीम ने 29 अंक लेते हुए तमिलनाडु को 5 अंकों से पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये हरियाणा की खेल नीति का ही परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सावित्रीबाई फुले को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर नमन करते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि छुआछूत के खिलाफ उनकी लड़ाई और समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को शिक्षित करने के प्रति उनका समर्पण हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि 19वीं सदी में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागृत करने वाली देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण में उनका अतुलनीय योगदान सदैव उन्हें प्रेरित करता रहेगा। उचाना के गांव सुदकैन कलां के शहीद हवलदार असवीर सिंह का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी। पूरा वातावरण शहीद असवीर सिंह अमर रहे नारों से गूंज उठा। सभी ने शहीद को गमगीन नेत्रों से अंतिम विदाई दी। सिक्किम में इंडो चाइना बॉर्डर पर दिसंबर माह में गश्त के दौरान उनकी गाड़ी नियंत्रण खोकर एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे उनके सिर पर चोट लगने के कारण वे वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर जनरल नैमिस कुमार ने कहा कि देश ने अपना एक देशभक्त बेटा खोया है। शहीद असवीर सिंह एक नेक इंसान थे।
31 दिसंबर 2021 के दिन दोपहर 2:30 बजे ये वीरगति को प्राप्त किया है। ठीक है, ये इंडो चाइना बॉर्डर एक केरन 12.5 करके QRT क्विक रिएक्शन टीम पोस्ट है, वहाँ से ये क्विक रिएक्शन टीम जो पेट्रोलिंग करती है वो ड्यूटी कर रहे थे, और वापस आते समय जैसे ही ये गिरी तो इन्होंने केबिन में इनको सिर पे चोट लगी, और सिर पे चोट लगने के कारण इनकी इनका ये वीरगति को प्राप्त हुआ। असवीर अपने पिता का इकलौता बेटा था। असवीर के 3 बच्चे हैं। उम्र 36 साल। शादी हो गई थी, कितने बच्चे इसके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। कितने उम्र के बच्चे हैं? 14 साल का, 11 साल का, 5 साल की मुड़िया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पंचकुला में हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा आयोजित पत्रकारिता गौरव पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने पत्रकारों से आह्वान किया कि वे समाचारों में अपने विचार शामिल ना करके तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करें। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पत्रकारों को समावेशी सोच के साथ आपस में संगठित होना चाहिए और एक पेशेवर के रूप में एक दूसरे के हितों के लिए काम करना चाहिए। इससे सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। नहीं लिखना, स्वतंत्रता नहीं रहना, ऐसी कहने की बात नहीं है। प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रेस को पूरी स्वतंत्रता रहे तो ही देश और सरकार अच्छा चलेगा। प्रेस फ्रीडम मस्ट, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को पेंशन, प्रत्येक जिले में मीडिया सेंटर जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से जो पेंशन का विषय है सर, देश के तमाम सारे राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं। हरियाणा ये पहला राज्य बना जिन्होंने बुजुर्ग हमारे पत्रकार साथियों को, पत्रकार के पत्रकारिता में काम करने वाले उन तमाम सारे वरिष्ठ लोगों को सर आज 150 से ऊपर या 150 के करीब ऐसे पत्रकार हमारे बुजुर्ग साथी हैं जिनको 10,000 रुपये 1 तारीख को उनके घर पहुंच जाता है सर। सिरसा जिले के किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झींगा मछली का पालन कर अपनी आय में वृद्धि कर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। जिला मत्स्य अधिकारी ने कहा कि खारे पानी और लवणीय भूमि वाले क्षेत्रों में झींगा पालन व्यवसाय कारगर है। किसान झींगा मछली पालन व्यवसाय से लगभग 4 माह में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणी के लिए 60% अनुदान का प्रावधान है। जो उभर के आई है आज के दिन, वो किसानों के लिए झींगा, सफ़ेद झींगा मत्स्य पालन अपने आप में एक बहुत सफल आयाम है उनके लिए, क्योंकि जो सफ़ेद झींगा मत्स्य पालन है, सफ़ेद झींगा मात्र और मात्र खारे पानी का ही एक पालन है, एक व्यवसाय, एक कृषि, जल कृषि है, और इस जल कृषि से न केवल उनको नया विकल्प मिला है बल्कि इसके साथ साथ अपने आप में स्वयं आत्मनिर्भर रोजगार उनके लिए उत्पन्न हुआ है। और गांव चोरमार निवासी किसान गुरप्रीत ने बताया कि लगभग 4 साल से झींगा मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। इस कार्य में आय ज्यादा है और सरकार 40-60% तक अनुदान राशि भी उपलब्ध करवा रही है। पिछले 3-4 साल तो जड़ा झींगे की खेती कर रहे हैं। मैं अपने पिंड स्टार्टिंग 2.5 एकड़ तो शुरू किया सी, जेड़ा कि हूँ मैं इस टाइम 45 किलियां शुरू कर रहा। लास्ट वाले 3 सालों तो मेरा जो भी सिस्टम, जो भी प्रोडक्शन, जो भी इनकम, तो मेरे ख्याल च आम फार्मिंग नालों, आम खेती नालों इस चीज़ च मुनाफा 2-4 गुना ज़्यादा लग गया। गौरमेंट जो हरियाणा सरकार या सेंटर गौरमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अकॉर्डिंग सानू 1 हेक्टेयर ते 8,40,000 रुपया सबसिडी गौरमेंट प्रोवाइड कर रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें भी अच्छी आमदनी हो रही है, ये बहुत अच्छी योजना है। मछली फार्म बहुत बढ़िया काम है गया, ये खेती के नाल नाल जी, तो हर एक किसान नूं झींगा मछली पालन जरूर करना चाहिए जी। बाकी हरियाणा सरकार इस ते 60% 40% सबसिडी दे रही है जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण की हुई उत्साहजनक शुरुआत। कोविन ऐप पर अब तक करीब 34 लाख पंजीकरण किए गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कहा, अगले 10 दिनों में सभी किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का किया उद्घाटन। और उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुई 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीते स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।